नेरुडो का लाइव एक्शन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और साथ में क्या माय हीरो एकेडमी का सीजन 4 बहुत जल्द आने वाला है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और अगर आप लोगों ने चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर दो। और अब इसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करें, जैसे चेन सोल्जर का एनिमे शेड्यूल हो चुका है जनवरी 4 2024 के लिए और इसके अलावा बुचीगिरी एनिमे का भी एक मेन ट्रेलर आ चुका है, साथ ही साथ ये एनिमे भी शेड्यूल है जनवरी 13 2024 के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है सुसाइड स्क्वाड के इसेकाई एनिमे को लेकर, जिसको लेकर अगर आप लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप लोग 1 दिसंबर का इंतजार करो क्योंकि 1 दिसंबर को इस एनिमे को लेकर हम लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है बारटेंडर के एनिमे को लेकर। सो बारटेंडर ग्लास ऑफ द गॉड का एनिमे जो है वो शेड्यूल हो चुका है अप्रैल 2024 के लिए और इसके अलावा रिंकाई का एनिमे आने वाला है स्प्रिंग 2024 में। और इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोग पता होगा कि हाइकू की एक मूवी आने वाली है, सो हाइकू की जो न्यू मूवी आने वाली है उसको लेकर भी हम लोग कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाली है 16 दिसंबर को। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, सो नेक्स्ट अपडेट आता है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ नैपसैक के किट के मूवी को लेकर। सो बेसिकली इस मूवी को लेकर हम लोग को कुछ लीक पता चली है कि इस मूवी का जो टोटल रन टाइम होगा वो 1 घंटे 13 मिनट जितना लंबा होगा जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि अपडेट्स बस यही तक नहीं थे, अभी और भी अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के बारे में, जिसको लेकर फाइनली हमारे सामने एक काफी बड़ा अपडेट आ चुका है क्योंकि क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3 शेड्यूल हो चुका है जनवरी 3rd 2024 के लिए, जो कि क्लासरूम ऑफ द एलीट फैंस के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। हालांकि इसके बाद हम लोग एक और बहुत कमाल के एनिमे के बारे में बात करें जो कि आता है ब्लू लॉक का एनिमे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि ब्लू लॉक की भी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम होगा एपिसोड नागी और बेसिकली इस मूवी का एक न्यू ट्रेलर और मेन विजुअल आ चुका है। और साथ ही में जो ब्लू लॉक की मूवी आने वाली है वो एक्चुअल में शेड्यूल हो चुकी है 19 अप्रैल 2024 जापान के लिए। हालांकि सच कहूं तो यहां पर एक और बहुत ही कमाल का एनिमे है जो कि आता है अपना ओशिनोको का एनिमे। सो ओशिनोको को लेकर फाइनली हमारे सामने एक बड़ा अपडेट आ चुका है, जैसे ओशिनोको का एक नया विजुअल आया है, साथ साथ ओशिनोको का जो सीजन 2 है वो शेड्यूल हो चुका है 2024 के लिए। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आप लोग ओशिनोको के सीजन 2 को देख पाओगे, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। हालांकि ये तो हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स में बात कर लिया है, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा के अपडेट्स के बारे में। जैसे क्रेयॉन शिनचैन के मांगा ने अब तक कुल मिला के 148 मिलियन की कॉपीज का सर्कुलेशन कर लिया है, जो कि सच कहूं तो ये काफी बड़ा ही नंबर है। आई मीन जापान के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे है और साथ ही साथ एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज में शिनचैन बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे है और देखकर लगता है इसकी मांगा भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में जो कि आता है स्पाइक्स फैमिली कोड व्हाइट की मूवी को लेकर। तो जैसे आप लोग पता होगा कि स्पाइक्स फैमिली की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है कोड व्हाइट और ये मूवी स्पाइक्स फैमिली की फर्स्ट मूवी तो होगी ही, लेकिन साथ साथ ये जो मूवी होने वाली है उसको एक नोवेल का भी अडेप्टेशन मिलने वाला है, जो कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी जापान में उसी दिन इसका नोवेल भी रिलीज होगा, जो कि स्पाइक्स फैमिली फैंस के लिए तो अच्छी न्यूज है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के अपडेट के बारे में जो कि आता है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा कुन के मांगा को लेकर। सो बेसिकली अगर आप लोग डीमन स्कूल इरुमा कुन के मांगा को पढ़ते हो तो यहाँ पर इस मांगा को एक स्पिन ऑफ मांगा मिलने वाला है जो कि लॉन्च होगा दिसंबर में। साथ ही इसके बाद हम लोग बात करें बोरुटो के मांगा के बारे में, सो बोरुटो डू ब्लू वॉटर्स का जैसे चैप्टर 4 आया है उसको बहुत कम टाइम के अंदर 1 मिलियन व्यूज मिल गए और ये सच कहूं तो बोरुटो के जैसे जैसे न्यू चैप्टर आते जा रहे हैं वैसे इसको लगातार 1 मिलियन व्यूज मिलते ही जा रहे हैं, जो कि लिटरली एक मांगा के लिए तो काफी बड़ी बात है। हालांकि अब बोरुटो का मांगा तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है लेकिन ड्रैगन बॉल का मांगा अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है, बट सच कहूं तो मेरे हिसाब से अब शायद ड्रैगन बॉल का मांगा ऊपर जाएगा बिकॉज अब ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के अंदर एक न्यू सागा स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज ड्रैगन बॉल सुपर के लास्ट चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 99 के अंदर हम लोगों को बीस्ट गुहान देखने को मिल चुका है और अब इसके बाद ड्रैगन बॉल का चैप्टर 100 आने वाला है, जिसके आने के बाद एक न्यू सागा भी स्टार्ट होगा उसके अंदर और न्यू सागा का मतलब न्यू आर्क। और ये जो बेसिकली ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 100 होने वाला है वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा ड्रैगन बॉल फैंस के लिए, बिकॉज ये चैप्टर आप लोगों को शॉक कर देगा अपने अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट के साथ, जो कि अब किस तरह का डेवलपमेंट हम लोगों को देखने मिलेगा इस चैप्टर के अंदर वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता सकते हो। हालांकि अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे गेम्स के अपडेट के बारे में, जैसे वन पीस पायरेट वॉरियर्स 4 गेम के अंदर उटा के कैरेक्टर को ऐड कर दिया गया है। साथ ही में जुजुत्सु काइसन कर्स क्लास का जो गेम है उसके अंदर भी हमारे कुछ न्यू कैरेक्टर आ चुके हैं, जैसे नानामी, माहितो, इजो और केचुजु, इन कुछ कैरेक्टर का न्यू ट्रेलर हम लोगों को देखने मिला है अभी हाल फिलहाल में। हालांकि बात करें कि ये गेम कब लॉन्च होगा, सो ये गेम लॉन्च होने वाला है 2 फरवरी को और ये कौन कौन से कंसोल के ऊपर लॉन्च होगा वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट गेम की अपडेट के बारे में बात कर ले तो द लेजेंड ऑफ हीरोज ट्रायल्स ऑफ कोल्ड स्टील नॉर्दर्न वॉर का मोबाइल गेम जो है वो आने वाला है 6 दिसंबर को और इसके साथ ही जापान के अंदर कुछ गेम्स की रैंकिंग बाहर
आ चुकी है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर इन गेम्स की रैंकिंग को देख सकते हो। और ये जो गेम की रैंकिंग आप लोग देखने मिल रही है, मैं बताता हूँ कि ये कोई पॉपुलैरिटी पर नहीं हुई है। यहाँ पर ये सारी गेम्स की जो रैंकिंग है वो उनके कलेक्शन और उनके सेल्स पर हुई है, जो कि अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपनी कुछ नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में। सो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बहुत से कुछ कमाल के एनिमेस आने वाले हैं, जैसे द गर्ल आई लाइक फॉर गट हर ग्लासेस का जो एनिमे है वो आने वाला है नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर 6 दिसंबर को। हालांकि इसके बाद कागुया समा लव इज वॉर का भी न्यू सीजन आने वाला है नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर 10 दिसंबर को। और अब साथ ही में नेटफ्लिक्स के लास्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है उसके न्यू एनिमे ब्लू आई समुराई को लेकर। सो हिडियो कोजिमा के हिसाब से ब्लू आई समुराई जो है वो इस साल का बेस्ट एनिमे है। और अब मुझे पता नहीं कि आप लोग भी क्या ब्लू आई समुराई को बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर मानते हो कि नहीं, बिकॉज देखा जाए तो इस एनिमे की तारीफ मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ। और ये एनिमे देखना चाहो तो आप लोग जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के 8 एपिसोड्स हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को हिंदी डब में इसको देखना है तो आप लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज है, बिकॉज नेटफ्लिक्स वालों ने इसको ऑलरेडी हिंदी डब रिलीज कर दिया है। इसलिए आप लोग चाहो तो ब्लू आई समुराई के एनिमे को हिंदी डब में भी जाके देख सकते हो। हालांकि इसके बाद नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, सो मामू रोशी की फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है 15 जनवरी को। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है अमेजॉन प्राइम वीडियो को लेकर, तो प्राइम वीडियो की एक ओरिजिनल सीरीज जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ वॉक्स मैकेना, तो इसके सीजन 3 को हिंदी डब मिलने वाला है प्राइम वीडियो की तरफ से, जिसकी रिलीज डेट जनवरी में है, तो शायद ये आप लोगों को जनवरी में देखने मिले। एंड इसके साथ ही अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है पीवीआर को लेकर। सो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया था कि इंडिया के अंदर एक न्यू एनिमे मूवी आने वाली है, और यहाँ पे इस मूवी का नाम फाइनली अनाउंस हो चुका है, बिकॉज इस मूवी का नाम होने वाला है डिजिमॉन एडवेंचर 02 द बिगिनिंग। और ये रिलीज होने वाली है इंडियन सिनेमाज में 1 दिसंबर को, जो कि मैं आप लोग बता दूं कि ये मूवी आप लोगों को जापानीज लैंग्वेज और इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने मिलेगी, जो कि सच कहूं तो ये पीवीआर का बहुत ही ज्यादा बकवास डिसीजन है। मतलब यहाँ पे वो ढंग के एनिमे मूवी ला नहीं रहे हैं, यहाँ पे वो लोग उस एनिमे मूवीज को ला रहे हैं जिसका इंडिया के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। आई मीन डिजिमॉन की कितनी ही ऑडियंस होगी इंडिया के अंदर जो इस मूवी को देखेगी, प्लस इस मूवी को लेकर कुछ प्रमोशन वगैरह भी नहीं हुआ है पीवीआर की तरफ से, और बस 1 दिसंबर को ही मूवी रिलीज हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से ये मूवी अगर 1 लाख का भी कलेक्शन कर लेती है तो वो काफी बड़ी बात होगी। हालांकि आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे कि नहीं अपने नजदीकी थिएटर्स में, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि आता है क्रंचीरोल इंडिया। सो क्रंचीरोल इंडिया की तरफ से काफी बड़ा अपडेट आया हम सभी के लिए। तो जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले अपडेट दिया था कि सोलो लेवलिंग एनिमे को लेकर स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, जो कि कुछ ही कंट्रीज के अंदर होने वाली थी, बट यहाँ पे आज एनिमे फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज क्रंचीरोल इंडिया वालों ने सोलो लेवलिंग एनिमे की अर्लिंग स्क्रीनिंग का इवेंट इंडिया के अंदर भी रख दिया है, जो कि लिटरली बहुत ही बड़ी न्यूज है एनिमे फैंस के लिए, बिकॉज मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोलो लेवलिंग की जो अर्ली स्क्रीनिंग होगी वो हम लोग को इंडियन थिएटर में देखने मिलेगी, बट हाँ ये अपडेट बिल्कुल सच है। और सोलो लेवलिंग की जो अर्ली स्क्रीनिंग होने वाली है इंडियन थिएटर में वो होने वाली है दिसंबर में, और दिसंबर में इसकी स्क्रीनिंग कब होने वाली है उसको लेकर तो डेट नहीं बताया गया है, लेकिन होप करते हैं कि डेट भी जल्द से जल्द रिवील हो जाए। और अब यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि सोलो लेवलिंग एनिमे की स्क्रीनिंग इंडिया में भी होगी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इसका स्क्रीनिंग हिंदी डब में होगा। तो वेल जैसा कि आप लोग पता होगा कि मैंने सोलो लेवलिंग को लेकर बहुत टाइम पहले अपडेट बताया था कि सोलो लेवलिंग की हिंदी डबिंग के ऊपर काम चल रहा है, और अब देख के लगता है कि वाली लीक सच हो रही है, बिकॉज क्रंचीरोल ने जितनी भी इंडिया के अंदर स्क्रीनिंग की है किसी भी एनिमे को लेकर वो ज्यादातर उन लोगों ने हिंदी डब में ही की है, चाहे ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी क्यों ना हो या फिर जुजुत्सु कैसन क्यों ना हो, उन दोनों को ही इंडियन थिएटर में स्क्रीनिंग मिली है लेकिन हिंदी डब में मिली है। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर चांसेस यही है कि आप लोग को सोलो लेवलिंग एनिमे का भी हिंदी डब का स्क्रीनिंग ही देखने मिलेगा। और हालांकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है फ्यूचर में वैसे तो मैं आप लोग बता तो दूंगा, लेकिन क्या आप लोग सोलो लेवलिंग के अर्ली स्क्रीनिंग को देखने जाओगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है वन पीस के एनिमे को लेकर। सो वन पीस एनिमे को लेकर आज बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, बिकॉज वन पीस एनिमे का जो वानो आर्क है वो अब ऑफिशियली तौर पे खत्म हो चुका है, और लिटरली जो वन पीस का वानो आर्क है वो 195 एपिसोड तक चला था। मतलब देखा जाए तो 4 साल वानो आर्क वन पीस के एनिमे के अंदर चला था, और मेरे हिसाब से तो ये वन पीस का अब तक का सबसे बड़ा आर्क है। और साथ ही में सच कहूं तो मैं टूई एनिमेशन को थैंक यू बोलना चाहूंगा इसको लेकर, बिकॉज वानो आर्क की जो शुरू से लेकर आखिर तक की जो एनिमेशन थी उसको देखकर सच कहूं तो मैं टूई एनिमेशन से काफी ज्यादा खुश हूँ। इसलिए हाँ आप टूई एनिमेशन के इतनी ज्यादा हार्डवर्क के लिए आप लोग टूई एनिमेशन को कॉमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू बोल सकते हो। और अब इसके बाद जो वन पीस का वानो आर्क है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम लोग बात करें वन पीस के नेक्स्ट आर्क के बारे में, जो कि आता है वन पीस का एग हेड आर्क, जिसको लेकर फाइनली हम लोगों को एक नया ट्रेलर देखने मिल चुका है, साथ साथ इसका एक नया विजुअल भी आपके सामने तो है ही। और जहां तक बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में, सो वन पीस का एग हेड आर्क एनिमे के अंदर शेड्यूल हो चुका है 7 जनवरी 2024 के लिए। और ये सुनने बाद बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे, और बहुत सारे लोग तो यही पूछेंगे कि जो वन पीस का नया आर्क है वो तो स्टार्ट होने वाला था 3 दिसंबर से, सो अब इसका मतलब क्या है, क्या वन पीस एनिमे जो है वो ब्रेक पे जाने वाला है 1 महीने के लिए? तो चिंता मत करो, इसका भी आंसर मैं आप लोग बताऊंगा, सबर रखो। सो बेसिकली जिनका भी डाउट है कि दिसंबर में हम लोगों को क्या फिलर एपिसोड देखने मिलेंगे या फिर ब्रेक देखने मिलेगा, सो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी वानो आर्क तो खत्म हो चुका है, लेकिन पोस्ट वानो आर्क के जो कुछ एपिसोड्स है वो बचे हुए हैं, जो कि
दिसंबर के मंथ में आप लोग को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो एक हिडार का एपिसोड 1 है वो स्टार्ट होगा 7 जनवरी से, जिसके लिए अब आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ ही इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कार्टून नेटवर्क इंडिया को लेकर। सो कल फाइनली माय हीरो एकेडमी का सीजन 3 जो है वो पूरी तरीके से कार्टून नेटवर्क पर खत्म हो गया। और उसके बाद जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि माय हीरो एकेडमी का सीजन 4 कब आएगा, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि माय हीरो एकेडमी के सीजन 3 के बाद हम लोग को लास्ट में सीजन 4 का अपडेट आया था, कि सीजन 4 भी कमिंग सून पे है कार्टून नेटवर्क पर और वो भी जल्दी आएगा। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या माय हीरो एकेडमी सीजन 4 आएगा कि नहीं। सो यहाँ पे आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो माय हीरो एकेडमी का सीजन 4 आने वाला है, और कब आएगा जरा उसके बारे में बात कर ले। सो मेरे कुछ सोर्सेस के हिसाब से माय हीरो एकेडमी का जो सीजन 4 है वो आप लोगों को MHA की मूवीज के बाद देखने को मिल सकता है। और मैं पहले बताता हूँ कि ये सोर्सेज तरफ से अपडेट आया है, ये कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हाँ अभी आप लोग इसको 50-50% सच मान सकते हो। हालांकि अब आप लोग पता है कि अब MHA तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो MHA की मूवीज है वो नेक्स्ट मंथ से लगातार आप लोग को 3 हफ्ते देखने मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से शायद MHA फैंस तो इससे डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, बिकॉज मूवी भी काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए मूवी आप लोग जरूर देखना। और जैसे मैंने आप लोग बताया कि CNA वाले जैसी सभी मूवीज को दिखा देंगे उसके बाद हम लोग को सीजन 4 देखने मिल सकता है। सो देखते हैं ये वाला जो सोर्सेज की तरफ से हमारा अपडेट आया है वो कितना सच होता है। हालांकि आप लोग माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है नरूटो के लाइव एक्शन को लेकर। तो जैसे मैंने बहुत टाइम पहले ही नरूटो के लाइव एक्शन को लेकर एक लीक बताई थी, जिसमें लोग पता चला था कि नरूटो को लेकर एक लाइव एक्शन आने वाला है, और यहाँ पे आप लोग काइंड ऑफ कह सकते हो कि नरूटो का लाइव एक्शन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और ये भी पता चल चुका है कि ये कोई सीरीज नहीं होने वाली है, ये होने वाली है लाइव एक्शन मूवी, यानी नरूटो के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है जिसके ऊपर काम करेंगे लायंस गेट। और लायंस गेट बेसिकली हमारे नेटफ्लिक्स की तरह ही एक स्ट्रीमिंग साइट है, और यहाँ पे जो नरूटो की लाइव एक्शन मूवी का कंफर्मेशन दिया है, ये अपडेट इसी लाइव एक्शन की मूवी की स्क्रीन राइटर यानी ताशा हु ने अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया है। और ये जो ताशा है ये बहुत सारी सीरीज के ऊपर काम चुकी है, जैसे रेड सोंजा की मूवी के ऊपर काम कर चुकी है, और साथ ही में जो अपकमिंग टॉम राइडर की एनिमेटेड सीरीज है नेटफ्लिक्स पर उसके ऊपर भी ये काम कर रही है। और अब ये जो है नरूटो की लाइव एक्शन मूवी के स्क्रीन राइटर भी है, जो कि सच कहूँ तो मुझे नरूटो की लाइव एक्शन को लेकर कुछ खास ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज पहली बात इसको नेटफ्लिक्स वाले तो कर नहीं रहे हैं, और दूसरी बात अगर आप लोगों को वन पीस के बारे में पता होगा तो वन पीस के लाइव एक्शन को इतना बड़ा हिट साबित करने के लिए इचिरो ओडा का हाथ भी था, क्योंकि जो अपने ओडा सेंसेई हैं जो कि वन पीस के क्रिएटर है वो वन पीस के लाइव एक्शन के अंदर शामिल थे, और यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि उनकी वजह से ही वन पीस का लाइव एक्शन सीरीज इतना बड़ा हिट साबित हुआ है। और यहाँ पे तो नरूटो की कोई लाइव एक्शन सीरीज तो नहीं बनेगी, यहाँ पे नरूटो की लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है, जो कि अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वो लोग नरूटो के अंदर में से क्या लाइव एक्शन अडेप्ट करेंगे मूवी के अंदर। बट सच कहूँ तो इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि अगर वो लोग यहाँ पे किशिमोटो सेंसेई को अगर इसमें शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पर नरूटो का जो लाइव एक्शन है वो शायद बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट शायद यहाँ पे हो सकता है कि नरूटो के क्रिएटर किशिमोटो सेंसेई को इसमें ना शामिल किया जाए, और जिस तरीके से इचिरो ओडा ने इसके ऊपर एकदम ध्यान से बैठ के काम करवाया था उस तरीके से शायद नरूटो के लाइव एक्शन के ऊपर काम ना हो। बट स्टिल यहाँ पे मैं तो बस यही होप करूंगा कि इसका लाइव एक्शन जो आ रहा है वो अच्छा हो, नहीं तो इसको जैसे तैसे करके अगर वो इसको बना देते हैं तो यहाँ पर इसके बाद भी इसका हाल बिल्कुल ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन जैसा होगा। बट एनीवेज नरूटो के ऊपर पहली बार लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, जिसके ट्रेलर के लिए सच कहूं तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि आप लोग नरूटो के लाइव एक्शन के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो चला होगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चला है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूं बस लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।